तो फाइनली दोस्तों, आज हम एक और बार वुमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैच के बारे में बात करने वाले। पर उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज के वीडियो के एंड में मैं एक अनदर कैटेगरी, यानी कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें एक न्यू चीज़ एड ऑन करने वाला हूँ और न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो किस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के एंड में बोलूँगा। तो वो देखने के लिए आप कंटिन्यूसली वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखना कि नेक्स्ट वाला वीडियो कौन सी कैटेगरी के ऊपर आने वाला है। और आई होप सो कि आपको बहुत इन्जॉयमेंट होगी, क्योंकि वो सारे टॉपिक से आप सब वाकिफ हो, क्योंकि वो शो इतना पॉपुलर है या वो चीज़ इतनी पॉपुलर है कि जो छुपाए भी नहीं छुपती और जो दिखाए भी नहीं दिखती। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखती तो है पर समझ में नहीं आती, पर जो ऐसी भी चीज़ें हैं जो समझ में तो आ जाती है पर उसका दिखाने का तरीका काफ़ी अनदर वे में और काफ़ी ट्विस्ट मोड में होता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पर आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के बारे में, यानी कि 9th October 2024 में, यानी कि दुबई में, यानी कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बोला है कि टीम इंडिया के लगातार 3 मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले हैं, तो उसमें से तीसरा मैच इंडिया ने खेल लिया है श्रीलंका के साथ और उसमें काफ़ी भारी मात्रा से टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। यानी कि 82 रन से टीम इंडिया जीत चुकी है। यानी कि इंडिया ने कुछ 172 रन बनाए थे और इंडिया ने श्रीलंका को सिर्फ 90 रन पे ऑल आउट कर दिया, यानी कि पूरे 100 रन भी नहीं बनाने दिए। पर इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किसने किया है रन बनाने में, एक है हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने 52 रन बनाए वो भी नॉट आउट होके। और फिर आती है हमारी प्रिय तमारा स्मृति मादना, तो उन्होंने भी एक 50 जड़ दिया, यानी कि 50 रन बना दिए। और काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एड ऑन किया 172 रन में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ से, काफ़ी सारे रन और जो मोर देन 14 रन से भी ज़्यादा थे। यानी कि फिर आते हैं जिन्होंने श्रीलंका को सिर्फ 90 रन पे ऑल आउट कर दिया, तो उसमें बॉलर्स की तो कुछ चीज़ें ऐड होती है, तो उस बॉलर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बॉलर्स में भाई साहब जो हमारी प्रिय है अरुंधति रेड्डी, उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देके 3 विकेट ले लिए। और भी दूसरी है आशा शोभना, जिन्होंने भी 19 रन देके 3 विकेट ले लिए 4 ओवर में। और फिर आती है हमारी रेणुका सिंह, जिन्होंने पिछले बार जो पाकिस्तान के मैच था उसमें पावर प्ले में टीम इंडिया को विकेट दिला के काफ़ी मजबूत पक्ष में रखा था, तो उन्होंने भी 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देखे 2 विकेट्स हासिल किए। और इसमें पूरी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थी हरमनप्रीत कौर, क्योंकि 52 रन बनाए, नॉट आउट गई और काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है टीम इंडिया की जीत में। पर अभी सवाल ये भी उठता है कि टीम इंडिया के 3 मैच हो चुके हैं और श्रीलंका के भी 3 मैच हो चुके हैं, तो अभी हाल फिलहाल टीम इंडिया सेकेंड पोजिशन पे है पॉइंट्स टेबल के और श्रीलंका है 4th पोजिशन पे। और काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि कुछ चेंज हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों के दो दो मैच अभी बाकी है। जो इंडिया को सेमीज में आना है तो इन तीनों में से किसी दो टीम को एक एक मैच हारना पड़ेगा और दूसरा जो मैच खेलेंगे वो उनों में से दो टीम में से दो तीन टीमों में से दो टीम को हारना पड़ेगा। यानी कि लगातार एक टीम को 2 मैच हारने पड़ेंगे और एक टीम को 1 मैच हारना पड़ेगा, तब टीम इंडिया सेमीज में आ सकती है। पर अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये एक टूर्नामेंट का वो मोमेंट है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पर मुझे लगता है कि ये तीनों टीम्स काफ़ी स्ट्रांग है और मोस्ट ऑफली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा टीम इंडिया के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया का अब अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने है, वो भी एक नए स्टेडियम में, यानी कि शाहजहाँ में होने वाला है मैच 14th October को। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें हमको आगे बढ़ने में मदद करेगी, पर आई होप सो कि बेस्ट विशेस टीम इंडिया के लिए हो, क्योंकि हम आखिर तो टीम इंडिया के ही सपोर्टर्स है भाई। टीम इंडिया को हम टॉप मोस्ट पे रखेंगे और मैं चाहूँगा कि टीम इंडिया डेफिनेटली सेमीज में आए और फाइनल भी जीते, जो मेंस T20 वर्ल्ड कप में हुआ वही सेम टू सेम चीज़ वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में हो।
तो अब आ जाते हैं हमारे सीक्रेट मिशन पे, यानी कि अब इसके बाद कौन सी एक नई कैटेगरीज में वीडियोस आने वाले हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल कलर्स टीवी चैनल्स पे बिग बॉस सीजन 18 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मैं सोच रहा था कि उसमें काफ़ी सारे ऐसे नंग भरे हैं क्योंकि हमारे गुजराती में नमूने को नंग कहते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे नंग भरे हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका माइंडसेट दोनों ही मैच नहीं करता जब वो बोलते हैं, और कुछ भी बात रखते हैं तो दोनों में अपोजिट दिखता है, यानी कि कुछ मोमेंट पे वो कुछ बोलते हैं और कुछ मोमेंट पे वो कुछ बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको रिव्यू करना और उनके ऊपर रिएक्शन देना मैं काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, और उनके बारे में बोलने के लिए मैं काफ़ी तत्पर हूँ। तो हाल फिलहाल मैं उसके सारे एपिसोड वॉच कर रहा हूँ, और फिर फाइनल प्रोडक्ट जो निकलेगा वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आई होप सो कि वो भी आपको देख के पसंद आए और ये वीडियो भी आपको देखने में मज़ा आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, और इस वीडियो से हमको सीखने को मिलता है कि जो हमारी जो बनाई बनाई चीज़ है, जो हमारी जो कंसिस्टेंसी रूटीन में चलती है, उसको लेके आगे बढ़िए और उसको मैंडेटरी बेसिस पे हर रोज़ कीजिए, तो आपको कभी ना कभी तो वो यूज़ में आएगी और कभी ना कभी वो चीज़ आपको आपके सक्सेस के पाथ में आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो लेट्स गो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन सी यू डरा, बाय बाय।